हो निकोलस चूरन, अरे सॉरी निकोलस पूरन। अरे भैया तुम तो पहले मैच में इतना बुरा क्या हार गए? अरे वो कहाँ गया तुम्हारा जैसन होल्डर जो लंबी लंबी बातें कर रहा था? इतना लंबा आदमी बस लंबी लंबी बातें करोगे? अरे हमने कहा था ना सबसे ज्यादा कुटाई उसी की होगी तो उसी को कूटा। अरे उसके 4 ओवर में 50 रन कूटे। अरे और भैया डीके भैया का देखो फॉर्म वापस लौटाया, 19 पे 41 ठोक डाले हैं लौंडे ने। अरे तुमको अभी तो 4 मैच बचे हो, इतना ठोकेंगे कि याद रखोगे। अरे रोहित भाई ये किस गरीब टीम के खिलाफ खिला दिए हमको? अरे इनका एक खिलाड़ी के अलावा कोई खिलाड़ी 20 रन भी ना बना पाया, कोई 10 12 0 1 2 बता ऐसे रन बना पाए हैं ये? अरे ये क्या जीतेंगे भाई हमसे? ये तो बत्ता कह रहे थे कि T20 की ऐसी टीम है, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। अरे इनसे घंटा कुछ ना उखड़ा भैया, जैसे वनडे सीरीज सफाया हुआ है का ऐसे ये T20 में हारेंगे। अरे डीके यार छोड़ो इनको, कैसी भी टीम हो, अरे हमें अपने खेल से मतलब है। भैया देखो हमारी लय आ गई है वापस, हमने भी सबसे ज्यादा रन हमने ही बनाए, उसके बाद तुमने बनाए, क्योंकि लय वापस आनी बहुत जरूरी है। लेकिन अपने ये सूर्य की लय वापस नहीं आया भैया। भैया इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ने के बाद लौंडे के भैया पता नहीं बल्ले में कोई भूत घुस गया क्या, चल ही नहीं रहा। अरे रोहित भाई यार अब तुम आ गए हो ना कप्तानी में, अब देखो तुम्हारी कप्तानी में ये तो पहला मैच था, अब ऐसा चलेगा तुम्हारे भाई का बल्ला, ऐसा चलेगा तुमने सोची ना होगी। अरे सूर्या रोहित ने तो नहीं सोची होगी, लेकिन हम जरूर सोचती, जिस दिन तुम्हारा बल्ला चलती तुम बहुत लंबा लंबा मारती और सारा रिकॉर्ड तोड़ देती।